कहानी के पिछले अंक में हमने देखा कि श्रीकन्या की माँ कमरे में जाकर रोने लगती है। उनका दर्द देखकर सारे दुखी हो जाते हैं। फिर क्या होता है इस अंक में देखेंगे। बाहर से सारे दरवाजा खटखटा रहे थे, पर वो दरवाजा ना खोलने पर स्वामी जी ने अपनी शक्ति से दरवाजा खोल दिया। श्रीकन्या की माँ एक कोने में बैठकर सिर पटक कर रो रही थी। श्रीकन्या तुरंत अपनी माँ के पास जाकर, माँ यू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी बेटी, तुम्हें इस तरह रोते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ। श्रीकन्या भी रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर श्रीकन्या की माँ, रो मत बेटा, मैं आइंदा कभी नहीं रोऊंगी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, भगवान ने चाहा तो वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे, तुम तो हो ही ना मेरे लिए। यूँ कहकर वो श्रीकन्या को गले से लगाती है। यूँ ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भैरवी कहीं से एक बॉक्स लेकर आती है। क्या है इस बॉक्स में सोच श्रीकन्या खोल कर देखती है। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ थी। वो देख श्रीकन्या पूछती है, भैरवी तुम ये कहाँ से ले आई? श्रीकन्या मैं गांव में गई थी, वहाँ एक आदमी सबको उपहार दे रहा था, मुझे भी दिया, मैं ले आई। श्रीकन्या खुश होकर, ओह कितने दिन हो गए मिठाई खाकर। यू कहकर श्रीकन्या वो बॉक्स लेकर वहाँ से भागने लगती है। भैरवी भी उसका पीछा करती है, पर श्रीकन्या उसे चकमा देकर एक जगह छिप जाती है। आ भैरवी को दिए बिना ही मैं अकेली सारी मिठाई खा जाऊंगी। यू कहकर वो मिठाई खाने लगती है, सारी मिठाई खा जाती है, फिर जमीन पर गिरकर, माँ ओ माँ मेरा पेट तो फूल गया, अब मैं क्या करूँ, हिल भी नहीं पा रही हूँ माँ। यू कहते हुए श्रीकन्या वहीं पड़ी रहती है। तभी भैरवी वहाँ आकर उसे देख, श्रीकन्या अकेले ही सारी मिठाई खा ली ना तुमने और अब पेट दर्द से रो रही हो, भैरवी मुझे माफ करो, इतने दिन बाद मिठाई देखकर खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है कोई बात नहीं, तुम यही रुको मैं अभी आती हूँ। यू कहकर भैरवी वहाँ से जाने लगती है। श्रीकन्या की माँ उसे देख, भैरवी श्रीकन्या कहाँ है, सुबह से गायब है। माँ आप चिंता मत कीजिए, वो मिठाई का एक पूरा बॉक्स खाकर वहाँ सोई है, देखो। श्रीकन्या की माँ उसके पास जाकर, बेटा क्या हुआ, एक पूरा डिब्बा मिठाई का खत्म किया तुमने और अब यूँ पड़ी हो जमीन पर। हाँ माँ मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हूँ, कुछ देर बाद ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ मैं आती हूँ। श्रीकन्या यूँ कहती है। उसकी माँ भी ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद श्रीकन्या खड़ी हो पाती है। ओह लगता है इस मिठाई में कुछ मिलावट थी, भूख तो ऐसी लग रही है कि पूछो मत, अभी तो इतनी मिठाई खाई, हाय राम ये मुझे क्या हो रहा है। यूँ कहकर श्रीकन्या घर जाने लगती है। वो घर में रखे फल खाने लगती है। ये देख सारे अचरज करते हैं। भैरवी पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें श्रीकन्या, अभी अभी तो इतनी सारी मिठाई खाई, अब ये फल खा रही हो, तुम्हारा पेट है या क्या है, बाप रे तुम्हारा बस चले तो मुझे भी खा लोगी, मैं जा रही हूँ। भैरवी यूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। श्रीकन्या की माँ, क्या हुआ बेटा ऐसे खाए जा रही हो? पता नहीं माँ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ देर बाद भैरवी उसे बुलाती है, श्रीकन्या श्रीकन्या तुम्हारी भूख मिट गई या नहीं, कहाँ हो तुम? तब श्रीकन्या, दोस्त मैं यहाँ पेड़ पर हूँ, अमरूद खा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, यू कहती है। उसकी बातें सुनकर भैरवी उसे देख, हे भगवान कुछ तो गड़बड़ है, इसे कुछ हो गया है इसीलिए यू खाए जा रही है, अभी नागिन माँ को सारी बातें बतानी होगी। यू सोच भैरवी दौड़ते हुए नागिन के पास जाती है। क्या हुआ भैरवी यू परेशान हो? भैरवी उसे सारी कहानी बताती है। नागिन हंसने लगती है। कोई बात नहीं मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करना, ठीक है मैं कुछ फल दे रही हूँ वो श्रीकन्या को खिला देना,
सब ठीक हो जाएगा। यूं कहकर नागिन भैरवी को कुछ फल देती है। वो फल लेकर भैरवी श्रीकन्या के पास जाती है। भैरवी, मैंने घर में जो भी था सारा खा लिया, फिर भी मुझे भूख लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये फल कहाँ से लाई हो, मुझे दे दो। और वो फल लेकर श्रीकन्या खाने लगती है। फिर से जमीन पर गिरकर, हाय मेरा पेट तो भारी हो गया है। भैरवी, तुम ये क्या लेकर आ रही हो हर बार, जिसे खाते ही मेरी यूँ हालत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। वो दर्द से बेहाल थी, इतने में उसका पेट फूलने लगता है। भैरवी ये देख हैरान हो जाती है। आ, ये क्या श्रीकन्या, तुम्हारा पेट तो काफी बड़ा हो रहा है, कहीं फट तो नहीं जाएगा। श्रीकन्या भी डर के मारे, भैरवी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, न जाने कहाँ से ले आई तुम वो फल, देखो मेरी क्या हालत हो रही है। तभी नागिन प्रकट हो जाती है हंसते हुए, श्रीकन्या तुम खाना खाकर इतना बड़ा पेट बना लोगी, मैंने सोचा नहीं था। नागिन माँ, मैंने भी नहीं सोचा था, ये सुबह कहीं से मिठाई ले आई, वो खाने के बाद से मेरी ये हालत हो रही है। नागिन कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुरंत श्रीकन्या का फूला हुआ पेट गायब हो जाता है। श्रीकन्या राहत की सांस लेती है। दरअसल मेरा पेट क्यों फूला था, फिर गायब भी कैसे हो गया, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, ये सब क्या हो रहा है। यूँ कहती है, तब नागिन कहती है, उस मिठाई में जरूर कुछ मिलावट है, एक बार खाने से बार बार खाने की इच्छा हो, इसीलिए किसी ने कुछ मिलाया है उसमें, व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये व्यापारी, लोगों को इस तरह ठग रहे हैं। हाँ, और रही बात तुम्हारे पेट फूलने की, अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगी तो यूँ बन जाओगी, ये दिखाने के लिए मैंने ही ऐसा किया था। क्या अब भी भूख लग रही है तुम्हें? श्रीकन्या कहती है, नहीं नहीं अब मुझे भूख नहीं लग रही। फिर वो नागिन और भैरवी से कहती है, जंगल में बहुत सारे रसीले मीठे फल होते हैं ना, और हाँ शहद भी मिलेगा, क्या जंगल में जाकर हम ले आए? तब नागिन पूछती है, अरे फिर से खाने की बात? नहीं नहीं मैं तो यूं ही कह रही हूँ, हम यहाँ आकर काफी दिन हो गए पर हमने जंगल की सैर नहीं की, एक बार घूम आएंगे। ठीक है जरूर, चलो चलते हैं। और तीनों जंगल में सैर करने निकल पड़ते हैं। वहाँ तरह तरह के रसीले मीठे फल थे, शहद भी था, इन सब का उन्होंने स्वाद चखा। सैर खत्म करके वो घर चले जाते हैं। घर जाकर भी जंगल की बातें ही करते रहते हैं। अगले दिन सुबह श्रीकन्या स्वामी जी के पास जाती है। श्रीकन्या क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह मेरे पास आई हो? श्रीकन्या उन्हें प्रणाम करती है। स्वामी जी हम यहाँ और कितने दिन रहेंगे, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है, उनसे मिलने का उनके साथ खेलने का मन हो रहा है, क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? नहीं बेटा, हम यहाँ किस लिए आए हैं, उन सब से दूर रहने के लिए। क्यों, कब तक, ऐसे सवाल पूछकर मुझे परेशान मत करना। पर स्वामी जी मुझे उनकी याद आ रही है, बस एक बार मुझे उनके पास भेज दीजिए। स्वामी जी कहते हैं, श्रीकन्या एक बार बताने पर समझ लिया करो बेटा, जिद मत करो। स्वामी जी को अब गुस्सा आने लगा था। श्रीकन्या उनकी बातें सुनकर घर आकर रोने लगती है। कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है पर कोई समझ ही नहीं रहा। यूं सोच वो रो रही थी। उस रात वो यूं ही उदास होकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो दोस्तों को याद करके, मुझे अब एहसास हो रहा है, मेरी माया शक्ति अब मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकती थी, जहां चाहूं वहां जा सकती थी,
यहाँ इन सब के बीच भी मुझे अकेलापन महसूस होता है, पता नहीं क्यों। वो यूँ सोच दुखी हो जाती है। यूँ ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह भैरवी देखती है कि श्रीकन्या घर में नहीं है। भैरवी श्रीकन्या को ढूंढने निकल जाती है। श्रीकन्या, श्रीकन्या, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो, श्रीकन्या? और यूँ पुकारते हुए भैरवी उसे ढूंढने लगती है। इसके बाद क्या हुआ कहानी के अगले अंक में देखेंगे।